हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं नया वाला वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं गाइज लोग, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल जाने वाला है क्योंकि मैं हिंदी में बात करके ब्लॉग बना रहा हूँ ना, समझ रहे ना। आज का ब्लॉग हम पूरा हिंदी में बनाएंगे। अब हम गाड़ी में ही बैठेंगे, गाड़ी निकलने शाम में। ओके, देख सकते हो आज ये लक्ष्मी मार्ग का कितना क्या बोलता है, ये कैसा है मेरा लक्ष्मी मार्ग, खुद ही देख लीजिए। ओ माय गॉड, मैं तो लेट हो चुका हूँ। चलो मैं स्पीड कूदता हूँ। गाड़ी वहाँ पर आता है सुमनिमा चौक पर। चलो तुमको मैं सुमनिमा चौक पर ही बैठता हूँ। दोस्तों हम गाड़ी रुकने आ चुका है, इधर देख सकते हो अनीश की मेरे। आज हिंदी में ब्लॉग बनी पड़ी, आज हम पूरा हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे। उधर दे सकते हो, उधर भी एक ऐसी सके बैठा स्टूडेंट उधर बसाए। एंड हमारा लोकेशन से यही है, हम इधर बैठ के गाड़ी कूदते हैं ना। थोड़ा हिंदी में बात करना, हिंदी में। हाँ, अब हम गाड़ी पार्किंग। ओके दोस्तों, अब हमारा के बनता वेट जो वाला की बनते हमारा सबर अब खत्म हो गया क्योंकि हमारा गाड़ी बस आ चुका है ऊपर पर दे सकते हो। अब हम मोबाइल क्या हो रहा है, अब हम गाड़ी में चढ़ के नए नए 11 का लड़की हर को देखा देंगे। ओके, थोड़ा सबर करना। चलो बाय बाय। हाँ, उसके बारे में क्यूरियस, उसके बारे में बुझना जा रहे हैं। हाँ, ये collaborating with class 11 students about their curiosity about their study. So me our project works well. Oh yeah, and do it like what Mr. Trent. देखाउने के हुँदैन बदल स्टार्ट। क्लास 11 स्टुडेन्टको यो सोध्न जा रहा है कि वाट आर यु क्युरियस एबाउट, क्या गर्न चाहते, वाट आर यु कन्सर्न एबाउट, आपको क्या चिन्ता है जिन्दगी पर, हो इसके मै बारे में हम क्लास 11 साइन्स स्टुडेन्टको सोध्न जा रहे हैं। थोडी बात मेरे भाइ, राम्ररी मेरा इङ्ग्लिस बहुत अच्छा है ना भाई। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन सोचने जा रहे हैं हम, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट इन द वर्ल्ड, क्या सिर्जना करने चाहते हो जिंदगी पर, ए जिंदगी नहीं वर्ल्ड। कोई किसका भाड़ा जल गया, क्वेश्चन प्रतियोगिता कम्पिटिसन मार्केटमा हुने गरिन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा यो विश्वव्यापीकरणले विश्वमा रहेको सामानहरू, सस्तो सामानहरू पनि हामी सम्पूर्णमा एउटा सानो उदाहरणबाट बुझौँ। जसरी हामी एउटा समाजमा बसेर हामीलाई छर छिमेकी त मर्दा पर्दा चाहिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो देशमा आपत आइपर्दा पनि तिनै छर छिमेकी देशहरूको आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यस कारणले हामीले विश्वव्यापीकरण मार्फत देश तथा विदेशहरूसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। जसरी नेपालमा विभिन्न ठाउँमा टावर भने त्यसको साटो सायद पुलिस्टोर बनाएको थियो भने आज तत्काल इन्डियाबाट ल्याउनु पर्दैन थियो। जसरी विदेशबाट इम्पोर्ट हुने सामानहरूको जम्मा 14% पेट्रोलियम पदार्थ मात्र छ, त्यही यहाँ हाम्रै छेउमा अब पेट्रोल खानबाट पेट्रोल निकालेको भए त्यो ल्याउनु पर्दैन होला। नेपालको धेरै पैसा नेपालमै रहने। गाइस लोग, मैं घर लौट रहा हूँ, देख सकते हो इधर मैं घर आ चुका हूँ। अब मैं घर जाके खाना साना खाता पीता हूँ। क्या भाई, गाइज हम कॉलेज से आ चुका है और एक बार सूत कर फिर उठकर हम अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। इधर खेल रहे हैं बच्चे ताश, देख सकते हो भाई किधर क्या खेल रहे हो तुम। हेलो भाई, कैसे हो आप। हिंदी में बात कर, हिंदी में ब्लॉग बना था क्या, कुछ बोलना चाहते हो मेरे सब्सक्राइबर के, बोलना ना कुछ हिंदी में बात कर, हिंदी में क्या बोलना चाहते हो। अपन गैर मोड खेल रहा है। हाँ, गैर मोड खेल रहा है। हाँ, गैर मोड कुछ बोलना चाहते हो गांडू। प्लीज सब्सक्राइब विद चैनल। हाँ,
बहुत अच्छा है भाई। अब हम इधर यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने जाते हैं, इधर फिजिक्स देख सकते हो, अब आगे देख लीजिए। ओके।